हेलो दोस्तों, मही के बारे में एगो भ्रांति है कि एकरा में आदर के कमी है, जे षड्यंत्र के तहत फैलावल गेले है। ये किताब है मही भाषा और साहित्य, डॉक्टर संपत्ति आर्याणी जी के लिखल। एकरा में मही के बारे में विस्तृत जानकारी देल गेले है। आओ, एक अध्याय पेज नंबर लगभग 96-97 में एकर जिक्र है कि कैसे लोग मघी के बंदाम कहलथिन है, जे कि अब हमनी के ठीक करे पड़ते। जैसे एगो चौपाया है, मगध देश है कंचनपुरी, देश भला पै भाखा बुरी, रहलू मगह कहलू रे, तेकरा लाका मारवे रे। तो ये चौपाया है मघी के बारे में, ये कहा है कि मगध देश तो सोना के शहर कहूँ, सोना के जमीन कहूँ, लेकिन मगह भाषा खराब है, मघी भाषा खराब है, मगह के जो लोग हथिन उनकर भाषा खराब है। तो एक में जो लास्ट दू लाइन है, ओकरा में कहल गेले है कि रहलू मगह कहलू रे, तेकरा लाका मारवे रे। ये दू लाइन है, एकरे खंडन हमू करे ला चाहिए। मघी में केवल रे करके बात ना कही जाए, मघी में आदर सूचक वाक्य और अनादर सूचक वाक्य दोनों हो गए। सेम बात समझू कि हमनी जब बड़ा से कर रही है तो हमनी आदर सूचक वाक्य के प्रयोग कर रही है मघी में, और जब अपने से छोटा से बात कर रही है या अपने से बराबरी वाला आदमी से बात कर रही है तो अनादर सूचक वाक्य के प्रयोग होगा है। जैसे कि अगर उदाहरण लिए तो अगर हम अपन बाबूजी से पूछबे कि अपने कहाँ जा रहल थीन हैं, तो ये देखथिन कि कहाँ जा रहल थीन हैं, रहल थीन जे शब्द है ये आदर सूचक शब्द है। एकरा में हम अपना बाबूजी के पूरा रिस्पेक्ट दे रही है और ओकर बाद पूछ रहे लिए है कि बाबूजी अपने कहाँ जा रहल थीन, तो अपने और रहल थीन ये जो दो शब्द है ये आदर सूचक है। वही अगर हम अपना दोस्त से या अपना छोटा भाई से अगर पूछबे तो अनादर सूचक में हम कह सकली है अरे तो कहाँ जा रहा नहीं है, या फिर तू कहाँ जा रहे नहीं है। तो एक में देखू कहाँ जा रहनी है और कहाँ जा रहल थीन हैं, ये दो शब्द एगो है जे आदर सूचक है, एगो है जे कि अनादर सूचक है। तो मघी इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल होबा है नया लोग के सीखे में कि एकरा में तीन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है। पहला है कि हमने बोला ये अपना दोस्त यार में, एगो होबा है कि बाबूजी से बात कर लिए या कोई रिस्पेक्टफुल बात कर लिए, आदमी से बात कर रही है। एक होबा है ओकरो से हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, अपने कहाँ जा रहा हलखिन है, कहाँ जा रहा हलखा है। तो ई जो है एकदम विलुप्त प्रयाय है, अपने कहाँ जा रहा हलखा है, तो ई जो खा है बोला है वो खा करके जो बोला है वो सुपर 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 रिस्पेक्ट है, मतलब कि गलती से भी हमने कोई डिसरिस्पेक्ट ना कर सकली है। तो मघी के जितना ज़्यादा अपने पढ़थिन तो धीरे धीरे अपने के पता चलते कि मघी अपने आप में एक समृद्ध भाषा शुरू से रहले है, जे शुरू के समय में मौखिक रहले और धीरे धीरे लोग मगह और मगध मघी के बोले वाला लोग जुटल थीन, और धीरे धीरे एकर सारा डॉक्यूमेंट सारा जे सारा भाषा के लिखल थीन, व्याकरण लिखल थीन। तो बहुत सारा किताब बाजार में ऑलरेडी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में, जे अपने पढ़ सकलथिन हैं और मघी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकलथिन हैं। तो हमर तो यही आग्रह रहते हैं अपने सबसे कि मघी के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़थिन आओ, सब लोग के मघी के बारे में बतैथिन आओ, जे भी मघी बोला है ओकरा ई ना समझथिन कि वो देहाती है या फिर ओकरा ज़्यादा जानकारी ना है दुनिया के बारे में। आज के डेट में देखू कि जे दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हथिन, जे कि अच्छा अच्छा पोस्ट पे हथिन,
एसपी डीएसपी आईएएस रैंक पे हथिन ओखनी भी अपन मातृभाषा के बढ़ा रहा थी ने, मघी में भी बात कर रहा थी ने। तो हम तो यही कहबो कि सबको आगे आहू और मघी के आगे बढ़ाऊ। हमलियो सत्या और अपने देख रहा थी नल एकंगर मघी। नमस्कार।